सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइव में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। बिहार में सरकार और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध में भाजपा और एनडीए के सहयोगी दल हैं, लेकिन पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह सिर्फ सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। उनके हमले का निशाना बिहार की सरकार में ही सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार होते हैं। मंत्री पद से हटने के बाद 3 महीनों में सुधाकर सिंह ने तो कई बार हद ही पार कर दी, लेकिन सुधाकर सिंह कहते हैं कि वो जो भी कहते हैं उसमें उनकी पार्टी का पूरा समर्थन हासिल होता है। एक इंटरव्यू में सुधाकर सिंह ने कहा कि उन्होंने महागठबंधन के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोला है। सुधाकर सिंह का कहना है कि जो भी उन्होंने कहा कि वे उतना ही कह रहे हैं जो पार्टी की लाइनें हैं, उन्हें पार्टी का पूरा समर्थन हासिल है। पार्टी के सिपाही के नाते उसी के डिमांड को पूरा कराने में लगा हूँ। मंडी कानून में लागू करना आरजेडी का पुराना एजेंडा है या पूरा ना हो, इसलिए तमाम किसान विरोधी ताकतों और चालाकी से मेरी मुहिम से सतही राजनीति से जोड़कर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मंत्री आगे कहते हैं कि वे किसानों के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और शिवानंद तिवारी की आपत्ति को सुधाकर सिंह ने पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि शिवानंद जी जो हमारे नेता लालू यादव को जेल भिजवाने वालों में रहे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा पाला बदलते रहे हैं। इन दोनों की बातों का मैं नोटिस नहीं लेता। मैं जो कह रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं है, पार्टी की लाइन यही है। तंज तो हमारे नए राजनीतिक दोस्त की तरफ से भी आते रहे हैं। सुधाकर सिंह ने इंटरव्यू में बताया कि तेजस्वी यादव ने उन्हें कुछ नहीं कहा है। तेजस्वी यादव की बातें व्यापक संदर्भ में कही। नीतिगत रूप से राजद की तरफ से कोई नई बात कहने का अधिकार सिर्फ लालू जी या तेजस्वी जी को है। मैंने कोई नीतिगत बात नहीं कही है, मैं तो पार्टी की बातों उसके मसलों को ही दोहरा रहा हूँ। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहले सीएम नीतीश कुमार बने, इसके बाद सत्ता तेजस्वी को सौंपने की बात हुई थी। 4 महीने में ये होना था जो अब तक नहीं हुआ है। मैं मंत्री लालू यादव के निर्देश पर बना था और उन्हीं के आदेश पर इस्तीफा भी दिया। मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक बिहार में मंडी कानून लागू नहीं हो जाता।